लंबे अरसे के बाद हिमाचल में भाजपा का कमल खिला है, जिसको लेकर हिमाचल वासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और हिमाचल पर मोदी की लहर पूरी तरह से छा चुकी है। मंडी विधानसभा क्षेत्र में 9 सीटें भाजपा की झोली में गई हैं, जिसे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा ने भी भारी मतों से जीत हासिल की है, जिसके लिए अनिल शर्मा अपने दिग्गज नेताओं व आम जनता का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भाजपा के विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि काफी लंबे अरसे के बाद मंडी विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। उन्होंने कहा कि मंडी विधानसभा क्षेत्र से 10 सीटें थी, जिसमें से 9 सीटें भाजपा की झोली में गई हैं और एक सीट अन्य है। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ हमेशा से ही हैं और साथ ही उन्होंने अपने दिग्गज नेताओं का भी धन्यवाद किया है, क्योंकि उन्होंने उन पर विश्वास किया और मंडी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का कमल खिलाने में कामयाब हुए हैं। ठीक कहा आपने कि लंबे अरसे के बाद जो है सदर चुनाव हल्के में इतने वर्षों के अंदर मात्र एक बार 2.5 साल के लिए कमल खिला था और इस बार कमल सदर में नहीं खिला, पूरे जिला मंडी के अंदर ये पहला मौका है कि मंडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें जो है 10 में से 9 सीटें जो है और एक भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका, ये पहली बार हुआ है। मंडी की जनता ने और खासकर कांग्रेस ने एक बात कही थी जहां राजवीर भद्र सिंह जी ने कि एक छोटे नेता को हमने जो है कांग्रेस छोड़ के गए हैं, आज कितना नुकसान हुआ है उनके सामने है। और मंडी में आज जो है मंडी की जनता ने फैसला किया है, सदर की जनता ने फैसला किया है, जो कमल खिला है, मुझे सबसे बड़ा आभार प्रकट करना है जो शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जिन्होंने मुझे विश्वास प्रकट किया और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा। तो उसके बाद शीर्ष नेताओं जो हमारे हिमाचल के हैं सभी के मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा, और मतदाताओं का कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ जिस गर्मजोशी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल के काम किया और एक परिवार जो मेरे साथ आया था उन्होंने भी मिलजुल के काम किया और एक बहुत बड़ी जीत जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और मैं पूर्ण विश्वास देना चाहता हूँ कि हम मिलजुल के काम करेंगे और मंडी की का ही नहीं, हम मंडी के जितने भी, क्योंकि ये हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि मंडी ने इतना बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी प्रकट किया है, तो सभी हम नेता जो है मिलजुल कर काम करके इस मंडी के जो सपना है इसको पूरा करने का प्रयास करें। लोगों का विश्वास है, क्योंकि यदि लोगों ने बदली हुई परिस्थितियों में साथ दिया है तो काम देख कर दिया है, जो काम मैंने किए हैं और काम करने का लोगों को आश्वासन दिया है और लोगों को लगता है कि जब मैं आश्वासन देता हूं तो काम करके भी बताता हूं, तो इसलिए जो है लोगों ने मुझे समर्थन दिया है और मैं इसलिए अपने सभी लोगों का आभारी हूं कि लोगों ने मेरे साथ जो है साथ चले। मैं कहना चाहता हूं कि द्रंग ही नहीं और सभी क्षेत्रों के अंदर पंडित सुखराम जी का जो वर्चस्व आज पता लग गया है कि मंडी के अंदर आज पंडित सुखराम का वर्चस्व है कायम है। और बल के नेता ने, एक नेता ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं मात्र 15-16 वोट का मुझे फर्क पड़ेगा कि पंडित सुखराम जो है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, आज उन्हें जो है बल के जनता ने बता दिया कि आज भी पंडित सुखराम करने कद जो है वो प्रकाश चौधरी से बहुत बड़ा कद है। इसलिए जो है मुझे उनको बता देना है कि जिस जो राजनीति के अंदर पंडित सुखराम जी उनको लाए और जिस तरीके से उनको राजनीति में लाए थे, परंतु पंडित सुखराम को भूल करके दूसरी की गोद में बैठ गए थे, आज बल की जनता ने उन्होंने है उनको सब कुछ खा दिया है कि आज भी पंडित सुखराम का वर्चस्व जो बना हुआ है।